वहीं कांग्रेस पार्टी में आज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया है कि सभा के पूर्व सांसद रवि वर्मा, उनकी बेटी पूर्वी वर्मा समेत बड़ी संख्या में अन्य पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में भरोसा जताया है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा है कि उन्हें पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, वो कहां खड़े हैं। मेरे बारे में, पार्टी के बारे में उन्होंने तमाम बातें बोली, लेकिन हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रवि वर्मा आज बड़ी संख्या में अपने साथ कार्यकर्ताओं, नेताओं को लेकर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। सर, आज बड़ी सेंधमारी समाजवादी पार्टी में आपने करने का काम किया है, बड़े नेता आज आपकी पार्टी में आ रहे हैं। मैंने सेंधमारी का कोई काम नहीं किया, वो आज आप उठाकर देखें, वो लगातार उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा था कि हमारी बात वहाँ नहीं सुनी जाती, हमें ध्यान, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। जो इतने बड़े कद का नेता है, जिसके परिवार के लोग वहाँ से सांसद थे, अपने सांसद 10 बार वहाँ की संसदीय इनके परिवार में रही है और 4 बार ये सांसद रहे हैं, तो ये निश्चित तौर से ये लोग मतलब ऐसे लोग हैं जो मतलब पूरे समाज के साथ खड़े रहते हैं और वो आज हमारे पार्टी में आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साथ में उनकी बेटी पूर्वी वर्मा और उनके साथ पूर्व विधायक, वर्तमान के प्रधान, जिला परिषद के मेंबर, कई ब्लॉक प्रमुख उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। सबका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। सर, अखिलेश यादव जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, बोले हैं कि इन्होंने हमको धोखा दे दिया, इनको वोट ना दो, खुल के वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं आपके खिलाफ। कांग्रेस की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं, क्या कोई सॉफ्ट कॉर्नर है क्या उनको लेकर? नहीं, देखिए बयानबाजी की बात नहीं है, जो वो कोई भी कुछ भी कहेगा, अगर देखिए मैं आज अगर मजबूती के साथ खड़ा हूँ, हम चाहते हैं सबको लेके चलना, तो हमारा स्वभाव होना चाहिए कि नहीं, हम दिल बड़ा करके काम करते हैं। जैसा आपने देखा घोसी में, हम लोगों ने बिना मांगे समर्थन कर दिया, मुझसे समर्थन नहीं मांगा। अब वो कुछ भी बोल रहे हैं, मेरे ही बारे में क्या बोला, तो मैं उस पर कोई रिएक्ट तो किया नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि भाई पहले अपने अंदर की चीज़ों को देखिए आप, तो अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने अंदर देखना, खुद के अंदर स्वयं झांकेंगे तो पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने क्या उनका सहयोग किया था, क्या मदद की थी। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और 5 स्टेट के अंदर सरकार बनाने जा रही है। 65 सीटों पर बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, हम चुनाव लड़ेंगे, क्या 15 सीटों अन्य दलों को देंगे, सहमति हो सकती है क्या सर इस पर? ये 5 स्टेट के चुनाव चल रहे हैं, 5 स्टेट के चुनाव जब पूरे बीत जाएंगे उससे फिर राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा बैठ के तय करेगा। आखिरी सवाल है सर आपसे, राहुल गांधी जी केदारनाथ के दौरे पर हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, लेकिन जब राहुल गांधी जी इस तरीके के कहीं कहीं जाते हैं दर्शन करने, तो आपका विपक्ष कहता है कि चुनावी हिंदू हैं। अच्छा ये बताइए, इसके पहले भी आपको सब जानकारी होगा, राहुल जी केदारनाथ जी गए हैं, मानसरोवर की यात्रा उन्होंने किया है, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया है, तो उस समय क्या चुनाव था? आप मोदी जी का दौरा देख लीजिए, जब बनारस में गए, गंगा जी का स्नान किया, बाकायदे वस्त्र पहन कर, जो कि स्नान वस्त्र पहन के नहीं होता, वस्त्र पहन के स्नान कर रहे हैं, और आप देखेंगे बाकायदे उसके लिए पूरी की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, पूरी मार्केटिंग होती है मोदी जी के लिए, तब वो जाते हैं, कपड़े पहन कर नहाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनकी हैं मैं समझता हूँ। और ये हम राहुल जी शिव भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, महादेव विराजमान हैं, तो मैं समझता हूँ हम सब लोग दिखावटी हिंदू नहीं काम कर, चुनाव आएगा तो मोदी जी गुफा में बैठ जाते हैं, नहीं बैठे थे चुनाव के समय? बैठे थे ना, कब बैठे थे? पूछिए भाजपा के नेताओं से कि कब बैठे थे, भाजपा के लोग बता दें कि मोदी जी कब जाके अंदर बैठे थे गुफा में। तो हमारे नेता वो शिव जी के भक्त हैं और लगातार पूजा पाठ आराधना वो करते रहते हैं। अयोध्या जाने की भी कोई प्लानिंग है क्या सर राहुल जी या प्रियंका जी? अब वो अब निश्चित तौर से हम सब लोग सनातन धर्मी हैं और सारी चीजें हमारी हमारे आस्था, भगवान हमारे आस्था के केंद्र हैं, जब समय आएगा तो उस पर भी निर्णय होगा। तो देखिए कांग्रेस पार्टी में बड़ी ज्वाइनिंग आज हो रही है, समाजवादी पार्टी से तमाम बड़े नेता ज्वाइन कर रहे हैं और ये सिलसिला आगे लगातार जारी रहेगा। कैप्टन गिरीश के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।